पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना भगतपुर से आए एक शख्स पत्र में भगतपुर के गांव बिलकदाना में बाल विवाह होने की बात कहकर खलबली मचा दी। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना भगतपुर से आए एक शख्स के पत्र में भगतपुर के गांव बिलकदाना में बाल विवाह होने की बात कहकर खलबली मचा दी। सूचना सेठ ब्लूसी महिला हेल्पलाइन पुलिस टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद उम्र की बात सामने आई तो गांव में परिवार रजिस्ट्रेट से लड़की की उम्र की जांच कराई गई। बालिक होने पर टीम औपचारिकता पूरी करने के बाद लौट आई। मामला थाना भगतपुर के गांव बिलकदाना का है। यहां गांव में एक युवती की शादी गांव के किसी शख्स से हो रही थी। एक व्यक्ति ने जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश गुप्ता को शिकायत पर पत्र भेजा। इसमें गांव के परिवार का जिक्र करते हुए नाबालिग बेटी की शादी की बात लिखी थी। बाल विवाह की बात सामने आते ही डीपीओ के निर्देश पर ईपीडीएस के संरक्षण अधिकारी अरुण कुमार, सीड ब्लूसी की सदस्य नीतू सक्सेना, महिला हेल्पलाइन की चारू चौधरी, काउंसलिंग जगदीश को पुलिस टीम के साथ गांव में हकीकत जानने भेजा गया। उनको लेकर जब लड़की के कोई अभिलेख नहीं मिले तो परिजनों ने गांव के प्रधान गुलफाम मुस्तफा की मदद से परिवार रजिस्टर मंगवाया, जिसमें लड़की की जन्म तिथि वर्ष 2000 मिली। लड़की के बालिक होने का प्रमाण मिल चुके थे और वहां से टीम को बेरंग लौटना पड़ा। भगतपुर में गांव है बिलाकुदान, जहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को सूचना मिली थी कि किसी नाबालिग लड़की का मैरिज कराया जा रहा है। इस संबंध में उनकी टीम आई थी, जांच की गई, सभी सही पाया गया और जांच के बाद टीम वापस चली गई। अभी जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर शिकायत की गई थी, उनके द्वारा जो भी अगर कोई पुलिस स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित रहेगी तो वो करवाई जाएगी।